हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, जो फार्माकोकाइनेटिक्स का थर्ड टॉपिक मेटाबॉलिज्म। कल हमने वीडियो में बात किया था फेज वन रिएक्शन के बारे में, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और फेज वन रिएक्शन क्या होता है। आज हम उसी कड़ी में बात करेंगे जो है फेज टू रिएक्शन के बारे में। मैंने कल बताया था कि फेज वन रिएक्शन में अगर कोई ड्रग मेटाबोलाइज होता है, अगर वो बॉडी से अच्छे से एक्सक्रीट आउट ना हो पाए, बॉडी से नहीं निकल पाता हो, अच्छे से वाटर सॉल्युबल ना हो पाए, तो क्या करता है वही जो ड्रग मॉलिक्यूल है, वो ड्रग मॉलिक्यूल फिर फेज सेकंड रिएक्शन में चला जाता है। अब बात करते हैं फेज सेकंड रिएक्शन में क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हैं फेज सेकंड रिएक्शन, जितने भी इंडोजिनस वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऐसे ड्रग जो कि वाटर सॉल्युबल हो और इंडोजिनस हो। तो पहले आप जान लीजिए कि इंडोजिनस क्या है। इंडोजिनस सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट आउट होते हों। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन से, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है एंड ग्लूटाथायोन है। ये क्या करते हैं, जो ड्रग फर्स्ट फेज फर्स्ट में मेटाबोलाइज हुए हैं उस ड्रग से कंबाइन करके ये क्या करता है, उस ड्रग को हाईली पोलर कर देगा, हाईली वाटर सॉल्युबल कर देगा, जिससे क्या होता है वो ड्रग है वो इनएक्टिव हो जाती है और इजीली से बॉडी से पास आउट हो जाती है। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक में। देखिए जितने भी ड्रग के जो लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे पैंक्रियाज से बाइल सिक्रीट होता है उस बाइल के थ्रू बाइल में जाके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक में बारे में क्या है। कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो सेकंड फेज सेकंड के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं उनको कहते हैं ग्लूकोरोनाइड्स कहते हैं, इथेरियल सल्फेट्स एंड अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के जो है फेज सेकंड में रिएक्शन होते हैं, जो होते हैं इसमें मेनली क्या होता है, तीन टाइप का होता है, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन। अब बात करते हैं ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन क्या होता है। देखिए इंडोजिनस जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे बिलरुबिन हो गया, स्टेराइड हार्मोन्स हो गए, ये सब जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो, या कोई केमिकल निकलता है तो वो क्या होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड से कंजुगेट जाके जुड़ जाता है। ग्लूकोरोनिक एसिड से कंजुगेट रिएक्शन करके वो क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ UDPGA यूरिडीन डाईफॉस्फेट ग्लूकोरोनिक एसिड जो है उससे जाके कंबाइन होके बाय द हेल्प ऑफ UDP ग्लूकोनिल ट्रांसफर एंजाइम। इसमें आप क्या होता है कि कोई इंडोजिनस सब्सटेंस जो है जो बॉडी से निकल रहा है वो क्या करेगा, जाके UDP के साथ कंबाउंड बना के कैटलाइज होगा बाय द एंजाइम UDP ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज। UDP ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज से कैटलाइज होके वो क्या करेगा, बॉडी से जो है एक ड्रग को एक्सक्रीट आउट कर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल है वो UDPGA यूरिडीन डाईफॉस्फेट ग्लूकोनोइक एसिड से बाइंड करके बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज उस ड्रग का ग्लूकोनाइड बनाएगा और UDP निकल जाएगा। तो जो ये ड्रग ग्लूकोरोनाइड है ये बॉडी से इजीली पास आउट हो जाएंगे क्योंकि ये हाईली वाटर सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल में देख सकते हैं जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन क्या होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड से बाइंड होके मॉर्फिन ग्लूकोरोनिक एसिड बनाता है जो कि बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं एक ये याद करने वाला पॉइंट है, नोट में आप देख सकते हैं जो भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जिनका जो नवजात शिशु होते हैं, जिनका जन्म तुरंत हुआ रहता है, उनमें क्या होता है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम सफिशियंटली अच्छे से नहीं बन पाता है, अच्छे एडिक्वेट अमाउंट में नहीं बन पाता है, जिससे क्या होता है कि उन बच्चों में जो है बिलरुबिन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंटिस एंड कलर इन द आई, ये क्या होता है बिलरुबिन जो है बॉडी में इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होकर न्यूनेटल जॉइंटिस हो जाता है। आपने देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें अक्सर क्या होता है जॉइंटिस पीलिया रोग हो जाता है, जिससे इसलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी में जो है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम अच्छे से सिंथेसाइज नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो है एसिटाइलेशन। तो पहले आप जान लीजिए एसिटाइलेशन क्या है, किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल में CH3CO बॉन्ड CO ग्रुप का जुड़ना। तो जैसे है सल्फोनामाइड्स और आइसो आयोनाइज्ड जो ड्रग हैं वो क्या होते हैं, अंडरगो एसिटाइलेशन विथ एसिटाइल को एंजाइम। ये जो सल्फोनामाइड्स और आइसो आयोनाइज्ड ड्रग होते हैं वो एक साथ कंबाइंड होकर एसिटाइलेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ एसिटाइल को एंजाइम, ये जिसमें जो है ये जो एंजाइम है यन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये जो रिएक्शन है वो कैटलाइज होता है, इंड्यूस होता है बाय एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि हमारे जो है सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब बात करते हैं मिथाइलेशन के बारे में। मिथाइलेशन क्या है आप पहले जान लीजिए, मिथाइलेशन क्या होता है, किसी ड्रग में CH3 ग्रुप का जुड़ना।
अब इसमें क्या होता है, देखिए कैटाकोलामीन्स जो होते हैं ऐसे जो ये हार्मोन्स है या कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, डोपामीन, ये सब क्या है, कैटाकोलामीन्स है। तो कैटाकोलामीन जो है हमारे किडनी के एड्रेनल मेडुला में बनता है, एड्रेनल मेडुला में बनने से क्या होता है, बनता है, और जो कैटाकोलामीन है वो मिथाइलेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांस मिथाइलेज एंजाइम। ट्रांस मिथाइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो है किसी कैटाकोलामीन्स का मिथाइलेशन होना, मिथाइलेशन होने से क्या होता है, वो जो ड्रग है वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है और जाके हमारे किडनी से पास आउट हो जाता है। अब बात करते हैं एंजाइम इंडक्शन के बारे में। एंजाइम इंडक्शन बेसिकली इसमें हम यही बात करेंगे जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जैसे P450, तो जो P450 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो एंजाइम इंडक्शन क्या होते हैं, ऐसे ड्रग या ऐसे कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जिससे कि एंजाइम माइक्रोसोमल एंजाइम P450 का इंडक्शन हो, उससे ज़्यादा सिंथेसाइज हो, उसको कहते हैं ऐसे ड्रग, उन ड्रग को कहते हैं एंजाइम इंडक्शन। यहाँ देख सकते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द माइक्रोसोम डेड लाइन इन SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच आर प्रेजेंट इन द लीवर सेल, जो कि हिपेटिक सेल्स, लीवर में जो सेल होती है उसको हम कहते हैं हिपेटिक सेल्स, वो हिपेटिक सेल्स में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है माइक्रोसोमल एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। तो क्या होता है इसमें आप देख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ P415 इनहेंस बाय सर्टन ड्रग, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो P450 एंजाइम के सिंथेसिस को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हों। तो क्या होता है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, इन्वायरमेंटल एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अल्कोहल, सिगरेट, अगर कोई जो व्यक्ति है अगर वो अल्कोहल लेता है या सिगरेट लेता है हाई अमाउंट में, या फेनोबारबिटोन सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग लेता है, या DDT लेता है, या कोई फिनिटोइन लेता है। फिनिटोइन क्या है, एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि एपिलेप्सी में दिया जाता है। अब क्या होता है, एक मान लीजिए एंजाइम इंडक्शन, एक जो है P450 एंजाइम ज़्यादा हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, तो सिंथेसाइज होने से क्या होगा कि जो सिंथेसाइज होगा तो क्या होगा, जब एंजाइम ज़्यादा सिंथेसाइज होगा तो जो ड्रग है वो जल्दी से उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगा, और जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगा तो उसको जो है प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा साइट ऑफ एक्शन पे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने की। इसीलिए जो जितने भी जो व्यक्ति होते हैं जो अल्कोहल या सिगरेट का कंजप्शन करते हैं उनमें जो है कोई ड्रग जल्दी से एक्ट नहीं करता, साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच ही नहीं पाता। अब बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो P450 एंजाइम माइक्रोसोमल एंजाइम के सिंथेसिस को रोक दे। देखिए द ड्रग व्हिच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम, ऐसे ड्रग या इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम के सिंथेसिस को रोक दे या इनहिबिट कर दे। एग्जाम्पल में देख सकते हैं सिमेटिडीन एंड कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल और सिमेटिडीन क्या होता है, जो बाइंड हो जाता है जाके माइक्रोसोमल एंजाइम से, और बाइंड होकर क्या होता है कंपेटिटिवली वो इनहिबिट कर देता है सिंथेसिस ऑफ P450 को। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कुछ ऐसे, उसमें क्या होता है वो इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होती है जो कि ज़्यादातर मेल में पाया जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है उससे क्या होता है कि जो हमारे जो होता है कि बियर्ड अच्छे से आते हैं और बाल का जो है जो हमारे हेयर हैं उनका अच्छे से ग्रोथ हो, उसके लिए हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का होना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि अगर एंजाइम इनहिबिशन P450 माइक्रोसोमल एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाता है तो वो क्या करता है जो है टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट कर देता है। टेस्टोस्टेरोन को इनहिबिट करने से क्या होता है कि अच्छे से हमारे जो बॉडी है उसमें अच्छे से बियर्ड नहीं आएंगे, हेयर फॉल होगा, बाकी बहुत से ऐसे सिम्टम दिखाई देंगे। अब दूसरे पॉइंट में बात करते हैं कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो माइक्रोसोमल एंजाइम को इररिवर्सिबली क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे क्या होता है, ऐसे ड्रग जो माइक्रोसोमल एंजाइम को कम्प्लीटली परमानेंटली ब्लॉक कर दे, परमानेंटली उनके सिंथेसिस को रोक दे, ऐसे भी ड्रग होते हैं, उनको कहते हैं सुसाइड इनहिबिटर्स। ऐसे ड्रग को सुसाइड इनहिबिटर्स कहते हैं। अब देख लेते हैं फैक्टर कौन कौन से, फैक्टर अफेक्टिंग या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं पहला है जेनेटिक वेरिएशन। अगर कोई है जिसमें कोई हेरिडेटिक डिजीज है या कोई पहले से उसके मान लीजिए उसके फादर में कोई डिजीज था, वो डिजीज ट्रांसफ़र होकर उसमें आ गया, उससे क्या होता है कोई ड्रग जो है अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, जिससे क्या होती है टॉक्सिसिटी काज हो जाती है। अब इसमें बात करते हैं सेकंड टॉपिक जो है एज। अगर किसी का जो है एज एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीमली ज़्यादा अगर कोई जो व्यक्ति है उसका एज ज़्यादा हो जाता है तो जो माइक्रोसोमल एंजाइम की कैपेसिटी होती है किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करने की, वो कैपेसिटी उसमें ख़त्म हो जाती है।
अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट। जैसा कि मैं ऊपर यहाँ बता चुका हूँ, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट में अल्कोहल, अगर कोई व्यक्ति अगर अल्कोहल, सिगरेट या कोई हार्मफुल सब्सटेंस अपने बॉडी में कंज्यूम करता है, जैसे हेरोइन हो गया, चरस, गांजा या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में इंड्यूस करता है, तो वो क्या करता है जो है वो एंजाइम इंडक्शन को बढ़ा देता है। जो एंजाइम जो बनना चाहिए बॉडी में माइक्रोसोमल में, वो बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, जिससे वो ड्रग की जो कैपेसिटी है, जो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है। अब बात करते हैं डिजीज की, जैसे डिजीज ऑफ द लीवर, अगर लीवर में कोई डिजीज हो जाए, जैसे लीवर सिरोसिस होता है, हिपैटोमिगेली होती है, बहुत से ऐसे जो होते हैं लीवर में डिजीज हो जाते हैं, जो कि हमारा मेन साइट मेटाबॉलिज्म का जो मेन आर्गन है वो है लीवर। अगर लीवर में कोई डिजीज हो जाएगी, जो ड्रग है वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं होगा तो साइट ऑफ एक्शन पे ज़्यादा अमाउंट में पहुँचेगा, और ज़्यादा अमाउंट में पहुँचने से जो है वो बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, जिससे गैस्ट्रिटाइटिस हो सकता है या बहुत से डिजीज होते हैं ड्यू टू हाई मेटाबोलिज्म ऑफ ड्यू टू लो मेटाबोलिज्म और हाई मेटाबोलिज्म ऑफ ड्रग इन द लीवर। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, हम देखेंगे ये हो गया पूरा मेटाबॉलिज्म। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाए उस पिछले वीडियो के जैसे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देखिए मेटाबॉलिज्म में जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये सब आपको पिछले वीडियो में मिलेगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। We'll be right back.